नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। एक बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। बिहार में सीटों के ऐलान के बाद से ही एनडीए में घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। अब से थोड़ी देर पहले पशुपति पारस ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान कर दिया था और उन्होंने दावा किया कि सीटों के बंटवारे में उनके साथ नाइंसाफी हुई है। लगातार वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी नेताओं से बात करने के बाद आगे का फैसला क्या होने वाला है ये तय होने वाला है। ये सबसे बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बता रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है। इस बात के संकेत वो लंबे समय से दे रहे थे और फिर जब सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान हुआ उनको नहीं सीट मिली और फिर ये उन्होंने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो नाराजगी उनकी पहले से भी जाहिर हो रही थी। बार बार वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो एनडीए में उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से रवि सिंह हमारे साथ हैं, पटना से चंद्रमोहन हैं। सबसे पहले पटना से चंद्रमोहन का रुख कर लेंगे। चंद्रमोहन, यहाँ पशुपति पारस को दरकिनार किए जाने के पीछे क्या क्या नजर आता है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है बीजेपी की? लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि वो 5 सांसद जो जीत कर आए हैं उनकी सीटों पर भी वो दावेदारी कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए, जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था उसके बाद से ही पार्टी और परिवार दोनों में परेशानियां चल रही थी और अभी 3 साल से दोनों चाचा और भतीजा के बीच लगातार लड़ाई चल रही थी। पशुपति पारस चाहते थे कि पार्टी को वो चलाएं जबकि चिराग पासवान अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते थे और यही वजह है कि पार्टी में टूट हुई। पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने और अब उनको सीट नहीं मिली है जिसके बाद उनकी नाराजगी सामने आई है और हो सकता है कि उनका रुख महागठबंधन की ओर हो। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। तिवारी जी, क्या आपके साथ आने के लिए बातचीत चल रहा है?